हेलो सदन, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम ग्रामर का एक टॉपिक लेते हैं, कर्तृवाचक संज्ञा। विद्यार्थी मित्रों, फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम के एग्जाम में, एसएससी बोर्ड के एग्जाम में कर्तृवाचक संज्ञा 2 मार्क की 2 पूछी जाती है। तो ग्रामर के टॉपिक में ये कर्तृवाचक संज्ञा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम स्टार्ट करते हैं कर्तृवाचक संज्ञा। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। अ और ब। फर्स्ट वन, वह धोखा देता है। ब में देखते हैं, वह धोखेबाज है। धोखा देने वाले को क्या कहते हैं? धोखेबाज। वह धोखा देता है तो वह धोखेबाज है। सेकंड, राजेश लिखता है। ब, राजेश लेखक है। देखो, लिखता, लिखता शब्द की कर्तृवाचक संज्ञा बनेगा लेखक। लिखता, लेखक, बराबर। आगे, कर्ण दान देता था। कर्ण दान देता था तो सामने देखिए, कर्ण दानी था, तो दान देने वाले को क्या कहेंगे? दानी। तो देखो, धोखा देता है, धोखा देने वाले को धोखेबाज कहते हैं। राजेश लिखता है, लिखने वाले को क्या कहेंगे? लेखक। कर्ण दान देता है, दान देने वाले को क्या कहेंगे? दानी, बराबर। तो इस प्रकार हम आगे देखते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा करते हैं। ऊपर दिए हुए अ और ब विभाग के वाक्य देखिए। अ, अ विभाग के पहले वाक्य में धोखा देता है क्रिया है। ब विभाग में इस क्रिया के बदले धोखेबाज शब्द का प्रयोग हुआ है। जो धोखा देता है उसे धोखेबाज कहते हैं। तो आपको समझ में आया, पहले वाक्य में धोखा देता है, राजेश धोखा देता है, ऐसा वाक्य है। लेकिन ब विभाग में इस क्रिया के बदले धोखेबाज शब्द का प्रयोग हुआ है। जो धोखा देता है उसे धोखेबाज कहते हैं। अविभाग के दूसरे वाक्य में लिखता है क्रिया है। अविभाग के दूसरे वाक्य में लिखता है ये क्रिया है। ब विभाग में इस क्रिया के बदले लेखक शब्द का प्रयोग किया गया है। देखो, लिखता है ये क्रिया के बदले दूसरे वाक्य में ब विभाग में लेखक शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब लिखने वाले को हम लेखक कहते हैं। तो लिखता, लिखना या लिखता, उसकी कर्तृवाचक संज्ञा बनेगी लेखक। आगे देखते हैं, जो लिखता है उसे लेखक कहते हैं। इस प्रकार तीसरे वाक्य में, तीसरे क्रमांक के वाक्य में दान देता है। देखो विद्यार्थी मित्रों, दान देता है के बदले दानी शब्द का प्रयोग हुआ है। जो दान देता है उसे दानी कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ ब विभाग के रेखांकित शब्द अविभाग की क्रियाओं से बनी संज्ञाएं हैं। ये संज्ञा कर्ता होने का बोध कराती है, इसलिए इस तरह की संज्ञाओं को कर्तृवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, एक मिनट है विद्यार्थी मित्रों, जरा आप देखिए, यहाँ ब विभाग के रेखांकित शब्द का अविभाग की क्रियाओं से बनी संज्ञा, ब विभाग की क्रियाओं से बनी संज्ञाएं हैं। ये संज्ञा कर्ता होने का बोध कराती हैं, इसलिए इस तरह की संज्ञाओं को कर्तृवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। क्रिया सामने है, कर्तृवाचक संज्ञा। तो विद्यार्थी मित्रों देखिए, रामलाल पहरेदारी करता है। रामलाल पहरेदारी करता है तो सामने कर्तृवाचक संज्ञा पहरेदारी की क्या बनेगी? तो रामलाल पहरेदार है। पहरेदारी, पहरेदारी करने वाले को क्या कहेंगे? पहरेदार, बराबर। सेकंड सेंटेंस, वह मेरी प्रशंसा करता है। वह मेरी प्रशंसा करता है तो प्रशंसा करने वाले को क्या कहेंगे? तो वह मेरा प्रशंसक है। वह मेरा प्रशंसक है। आगे देखते हैं, थर्ड नंबर, राम चित्र बनाता है। राम चित्र बनाता है, चलो चित्र बनाने वाले को क्या कहेंगे? राम चित्रकार है। चित्र बनाने वाले को क्या कह सकते हैं? चित्रकार। तो फिर से, रामलाल पहरेदारी करता है, पहरेदारी करने वाले को पहरेदार कहते हैं। सेकंड सेंटेंस, वह मेरी प्रशंसा करता है तो सामने वह मेरा प्रशंसक है। थर्ड नंबर, राम चित्र बनाता है,
चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं? चित्रकार। तो इस प्रकार चित्र चित्रकार, प्रशंसा प्रशंसक, पहरेदारी पहरेदार। तो देखिए आगे, कर्तृवाचक संज्ञाओं के प्रयोग से कठिन, ठोस, संक्षिप्त और प्रभावशाली बनता है। कर्तृवाचक संज्ञाएं वास्तव में शब्द समूह के लिए एक शब्द के प्रयोग का ही एक स्वरूप है। जैसे उदाहरण, शब्द समूह, सामने एक शब्द मीन्स कर्तृवाचक संज्ञा। फर्स्ट वन देते हैं, पथ पर चलने वाला। चलो, पथ पर चलने वाले को क्या कहेंगे? पथी। अत्याचार करने वाला, अत्याचार करने वाले को क्या कहेंगे? अत्याचारी। जो आराधना करता है, आराधना करने वाले को आराधक कहते हैं। जो शिक्षा देता है, शिक्षा देने वाले को शिक्षक कहते हैं। तो फिर से, पथ पर चलने वाला मीन्स पथिक, अत्याचार करने वाला, अत्याचार करने वाले को अत्याचारी कहते हैं। आराधना, जो आराधना करता है, कौन आराधना करता है? तो आराधक। जो शिक्षा देता है, शिक्षा देने वाले को शिक्षक कहते हैं। आगे देखते हैं विद्यार्थी मित्रों, हम देखो अभी कर्तृवाचक संज्ञाएं बनाना, कैसे बना सकते हैं हम लोग कर्तृवाचक संज्ञाएं? तो कर्तृवाचक संज्ञा संज्ञा या किसी या क्रिया से बनती है। कर्तृवाचक संज्ञा संज्ञा या क्रिया से बनती है। कर्तृवाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्द में प्रत्यय लगाए जाते हैं। प्रायः शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन भी होता है, जैसे यात्रा। चलो आपको सामान्य भाषा में समझाएं, यात्रा करने वाले को क्या कहेंगे? तो यात्री। यात्रा प्लस ई बराबर यात्री। निशान प्लस बाज, तो निशाने बाज। निशाना लगाने वाले को क्या कहेंगे? निशाने बाज। तो बाज ये क्या है? तो प्रत्यय है। ई ये प्रत्यय है, ओके, ई ये भी प्रत्यय है। गीत, गीत गाने वाले या गीत बनाने वाले को क्या कहेंगे? तो गीतकार। तो यहाँ पर कार प्रत्यय लगाया जाता है, आंसर बनेगा गीतकार। गीत गीतकार, बराबर ध्यान रखने का अच्छी तरह से। शिक्षा, शिक्षा देने वाले के पीछे, शिक्षा के पीछे अ का प्रत्यय लगाया जाएगा, तो कर्तृवाचक संज्ञा बनेगी शिक्षक। लिखना, लिखना शब्द के पीछे अ का प्रत्यय लगाया जाएगा, लिखना लेखक। सेकंड, चक्र, चक्र के पीछे धर शब्द लगाया, धर प्रत्यय लगाया जाएगा, तो कर्तृवाचक संज्ञा बनेगी चक्रधर, चक्र चक्रधर। तो इस प्रकार शब्द के पीछे शब्द, नाम या संज्ञा के पीछे प्रत्यय लगाने से कर्तृवाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम लोग देखते हैं प्रत्यय के अनुसार कर्तृवाचक संज्ञा। तो ध्यान से देखेंगे, देखो अक प्रत्यय, सबसे पहले प्रत्यय देखेंगे अक, सबसे पहले हमारा प्रत्यय है अक, ओके। देखो अक प्रत्यय, रक्षा, रक्षा के पीछे अक लगेगा तो रक्ष, प्रसार, अक प्रत्यय प्रसारक, आयोजन, अक प्रत्यय लगेगा आयोजक, अक आयोजक, सेवा, अक प्रत्यय लगेगा तो सेवक, सहायता, पीछे अक प्रत्यय लगेगा तो सहायक, तो रक्षा रक्षक, प्रसार प्रसारक, आयोजन आयोजक, सेवा सेवक, सहायता सहायक। इस प्रकार प्रत्यय लगाने से कर्तृवाचक संज्ञा बनाई जाती है, बनती है। तो हमें बोर्ड की एग्जाम में, फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जाम में भी, नाइन्थ में और टेंथ में, दोनों कक्षाओं में कर्तृवाचक संज्ञा बनाना पूछा जाता है। दो मार्क की दो पूछी जाएगी, एकदम इजी है। आप अच्छी तरह से सीखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको एकदम आसान लगेगा और आप आंसर, सही आंसर लिख सकते हैं। तो देखो सेकंड नंबर, घूमना, अब आएगा अक्कर प्रत्यय, घूमना, घूमना के पीछे अक्कर लगेगा तो घुमक्कर, भूलना भुलक्कर, बराबर भूलना आंसर बनेगा भुलक्कर, पीना, अक्कर प्रत्यय लगेगा तो पियक्कर, पीना पियक्कर। तो इस प्रकार घूमना घुमक्कर, भूलना भुलक्कर, पीना पियक्कर, बराबर। इस प्रकार आगे देखते हैं, खेल, खेल के पीछे आरी प्रत्यय लगेगा, खेलने वाले के पीछे, खेल शब्द के पीछे आरी लगेगा तो खिलाड़ी। आगे का प्रत्यय, आर प्रत्यय, आर प्रत्यय, सोना सुनार, सोने के गहने बनाने वाले को क्या कहेंगे? सुनार। सोना के पीछे आर प्रत्यय लगाया जाएगा तो सुनार। लोहा लोहार, कुंभ कुम्हार,
अब आएगा आरी प्रत्यय, पूजा पुजारी, जुआ जुआरी, पूजा पुजारी, जुआ जुआरी, बराबर। तो इस प्रकार आगे देखते हैं ई प्रत्यय, ई परोपकार परोपकारी, परोपकार करने वाले को परोपकारी कहते हैं। यात्रा ई प्रत्यय लगेगा तो यात्री, त्याग पीछे ई लगेगा तो त्यागी, त्याग त्यागी। आगे देखते हैं तो फिर से परोपकार परोपकारी, यात्रा यात्री, त्याग त्यागी। आगे देखते हैं कहानी, कहानी के पीछे कार प्रत्यय लगेगा, कहानी कहानी का। मूर्ति कार प्रत्यय लगेगा तो मूर्ति का। चित्र चित्रकार, नृत्य नृत्यकार, बराबर। फिल्म फिल्मकार। ता प्रत्यय देखो, निर्माण निर्माता, निर्माण निर्माता। व्याख्यान ता प्रत्यय लगेगा तो व्याख्याता, व्याख्यान व्याख्याता। तो इस प्रकार कहानी, कहानी के पीछे कार लगेगा तो कहानीकार। नृत्य के पीछे कार लगेगा तो नृत्यकार। मूर्ति के पीछे कार लगेगा तो मूर्तिकार। चित्र चित्रकार, शिल्प शिल्पकार, बराबर। इस प्रकार प्रत्यय के अनुसार हम कर्तृवाचक संज्ञा बना सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे सुख द प्रत्यय लगेगा, सुख देने वाले को क्या कहेंगे तो सुखद, दुख देने वाले को दुखद, जलाने वाले को जलद, बराबर। इस प्रकार कर्तृवाचक संज्ञा हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट वन आगे देखते हैं, पहरा पहरा पहरे दार, दार प्रत्यय, पहरा पहरे दार, पहरा दार प्रत्यय, पहरा पहरे दार। लेना लेनदार, लेना लेनदार, बराबर। आगे देखते हैं फिर से, नेक्स्ट आगे ऊपर जाएंगे प्रत्यय। अब आएगा कंटिन्यू चालू है सब प्रत्यय और कर्तृवाचक संज्ञा। दार प्रत्यय चल रहा है, लेना लेनदार, पहरा पहरेदार। नेक्स्ट दार, खरीदना खरीददार, दार प्रत्यय लगा पीछे देखो दार। दुकान दुकानदार, दुकान दुकानदार, बराबर। इस प्रकार खरीद खरीदार, दुकान दुकानदार, कर्तृवाचक संज्ञा बनती है। दुकान चलाने वाले को दुकानदार कहते हैं, खरीदी करने वाले को खरीददार कहते हैं। आगे लिखते हैं धर प्रत्यय, आगे हैं धर, गिरी गिरिधर, मुरली धर प्रत्यय मुरलीधर, चक्र धर प्रत्यय लगेगा तो चक्रधर, बराबर। चक्र धारण करने वाले को चक्रधर कहते हैं, गिरी को धारण करने वाले को गिरिधर कहते हैं, मुरली को धारण करने वाले को मुरलीधर कहते हैं। तो इस प्रकार कर्तृवाचक संज्ञा अलग अलग प्रत्ययों के द्वारा बनाई जाती है। आगे देखते हैं गर प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, गर। पहला है सौदा, सौदा गर, सौदा सौदा के पीछे गर लगेगा, सौदा सौदागर। फिर से जादू जादूगर, जादू जादूगर, बराबर। अब आएगा बाज प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, बाज। निशान निशानेबाज, निशान निशानेबाज। हिम्मत हिम्मतबाज, हिम्मत के पीछे बाज लगेगा तो हिम्मतबाज। बहाना बहानेबाज, धोखा धोखेबाज, बाज आया। इस प्रकार बाज प्रत्यय लगाने से निशान निशान को बाज प्रत्यय लगेगा तो निशानेबाज। हिम्मत के पीछे बाज प्रत्यय लगेगा तो हिम्मतबाज। बहाना के पीछे बाज प्रत्यय लगेगा तो बहानेबाज। आगे देखते हैं डाका, डाका के पीछे आकू प्रत्यय लगता है। डाका डाका डालने वाले को क्या कहेंगे तो डाकू, डाका डाकू। लड़ना लड़ाकू, लड़ना लड़ाकू, बराबर। ये देखो लड़ाकू, तो इस प्रकार लड़ना लड़ाकू, उड़ना उड़ाकू। आगे देखते हैं नेक्स्ट एरा प्रत्यय, लुटना लुटेरा, लुटना लुटेरा, बराबर। आगे देखते हैं वान प्रत्यय, वान प्रत्यय में गाड़ी गाड़ी वान, कोच कोच के पीछे वान लगेगा तो कोचवान, दर दरवान, दर दरवान,
रबर इस प्रकार। नेक्स्ट वन ची प्रत्यय। ची प्रत्यय के अंदर खजाना खजानची, तोप तोपची, बंदूक बंदूकची, बराबर इस प्रत्यय। तो खजाना, खजाना के पीछे ची प्रत्यय लगेगा तो खजानची, तोप के पीछे तो प्रत्यय ची प्रत्यय लगेगा तो तोपची। आगे देखते हैं मदद मददगार, मदद के पीछे गार प्रत्यय लगेगा तो मददगार, बराबर। अगर हींग वाला प्रत्यय हींग वाला, हींग के पीछे वाला लगेगा तो हींग वाला। रिक्शा रिक्शा वाला, रिक्शा चलाने वाले को क्या कहेंगे, रिक्शा वाला। दूध दूध वाला, सब्जी वाला, बराबर। टेम्पो वाला, बस वाला, दुकान वाला, बराबर। लारी वाला वाला, बराबर। तो ये क्या है, कर्तृवाचक संज्ञाएं। नेक्स्ट प्रत्यय देखते हैं आक्रमण। आक्रमण के पीछे कारी प्रत्यय लगेगा, आक्रमण के पीछे कौन सा प्रत्यय लगेगा, कारी। कारी प्रत्यय लगेगा तो हम आक्रमण आक्रमणकारी, आक्रमण आक्रमणकारी। नेक्स्ट देखते हैं क्रांति क्रांतिकारी। क्रांति के पीछे कारी प्रत्यय लगेगा तो क्रांतिकारी, कारी क्रांतिकारी। नेक्स्ट वन आंदोलन आंदोलनकारी, आंदोलन आंदोलनकारी। वैसे कार प्रत्यय लगेगा, साहित्य साहित्य का। तो इस प्रकार हम लोगों ने बहुत अलग अलग प्रत्ययों के द्वारा कैसे कर्तृवाचक संज्ञा बनाई जाती है वो हमने पढ़ा। तो विद्यार्थी मित्रों फिर से एक बार, अक प्रत्यय रक्षा रक्षक, सेवा सेवक, सहायता सहायक। अक्कर प्रत्यय भूलना भूलक्कर, पीना पियक्कर, घूमना घुमक्कर। सोना आर प्रत्यय लगेगा, सोना सुनार, लोहा लोहार, बराबर। आरी प्रत्यय जुआ जुआरी, पूजा पुजारी। ई प्रत्यय परोपकार परोपकारी, यात्रा यात्री, त्याग त्यागी, बराबर। नेक्स्ट कहानी काल प्रत्यय कहानीकार, इतिहास इतिहासकार, साहित्य साहित्यकार, चित्र चित्रकार, मूर्ति मूर्तिकार। टा प्रत्यय निर्माण निर्माता, व्याख्यान व्याख्याता। द प्रत्यय सुख सुखद, दुख दुखद। दार प्रत्यय पहरा पहरेदार, लेना लेनदार, दुकान दुकानदार, खरीदना खरीददार। धर प्रत्यय गिरी गिरिधर, मुरली मुरलीधर, चक्र चक्रधर। गर प्रत्यय सौदा सौदागर, जादू जादूगर, बराबर। बाज प्रत्यय निशान निशानेबाज, हिम्मत हिम्मतबाज, बहाना बहानेबाज। आगे आको प्रत्यय लड़ना लड़ाकू, डाका डाकू। एरा प्रत्यय लुटना लुटेरा, वान प्रत्यय गाड़ी गाड़ीवान, कोच कोचवान, बराबर। पिची प्रत्यय बंदूक बंदूकची, तोप तोपची, खजाना खजानची। गार प्रत्यय मदद मददगार, वाला प्रत्यय हींग हींग वाला, रिक्शा रिक्शा वाला, दूध दूध वाला। कारी प्रत्यय आक्रमण आक्रमणकारी, क्रांति क्रांतिकारी। देखो कर्तृवाचक संज्ञा बनी आंदोलन आंदोलनकारी। तो इस प्रकार हमारी एक कर्तृवाचक संज्ञा हम लोगों ने सीखी। हम लोग दो तीन स्वाध्याय में से भी आपको दिखाती हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों हम लोग स्वाध्याय देखते हैं। देखो स्वाध्याय में सबसे पहले मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ कि कैसे आप लोगों को नाइन संदर्भ में कैसे एक ही छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ। देखो विद्यार्थी मित्रों इस साहित्य ने नदियों के सॉरी इस साहित्यकार ने नदियों के बारे में बहुत लिखा है। तो ये जो दिया गया है इसमें बराबर, तो ये सेंटेंस के अंदर कर्तृवाचक संज्ञा बताइए ऐसा पूछा जाए तो इस साहित्यकार ने नदियों के बारे में बहुत लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग कर्तृवाचक संज्ञा बनाएंगे साहित्य का, आंसर लिखेंगे साहित्य का। सेकंड वनों के रक्षक भी अब लापरवाह हो गए हैं। सेकंड सेंटेंस में वनों के रक्षक भी अब लापरवाह हो गए, तो यहाँ पर रक्षक, रक्षा करने वाले को क्या कहेंगे, रक्षक।
कृषक के लिए तो नदियाँ वरदान बन गई है। चलो तो यहाँ पर कृषि करने वाले को, कृषि यानी कि खेती, खेती करने वाले को कृषक, कृषि कृषक, खेती करने वाले को कृषक कहते हैं। चलो वन वनवासियों के पालक है, वन वनवासियों के पालक, पालन करने वाले को क्या कहते हैं, पालक पालक। फिफ्थ वन, लकड़ी के व्यापारी भी वनों का नाश कर रहे हैं। चलो लकड़ी के व्यापारी, तो यहाँ पर प्रत्यवाचक संज्ञा व्यापारी है, वो किसका व्यापार कर रहे हैं, लकड़ी का, तो व्यापार करने वाले को व्यापारी कहते हैं। थर्ड सिक्स्थ वन, कुछ चित्रकार वनों को ही चित्र का विषय बनाते हैं, तो यहाँ पर चित्रकला, चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं, चित्रकार, बराबर। तो ये है हमारी कर्तवाचक संज्ञाएं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार यहाँ पर जो स्वाध्याय दिया गया है, इस स्वाध्याय में से भी हमें कर्तवाचक संज्ञा बतानी है, बताइए। तो सेंटेंस देखो, पहले आप एक मिनट जरा आप लोग सूचना पढ़ लीजिए, सूचना हम पढ़ेंगे कि सूचना पढ़ते हैं। चलो आगे, ध्यानचंद हॉकी के निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तवाचक संज्ञा बताइए। चलो फर्स्ट वन, ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे। चलो यहाँ पर कर्तवाचक संज्ञा खिलाड़ी, ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे, खेलने वाले को क्या कहेंगे, खिलाड़ी। पठान ने एक दार्शनिक की भांति कहा, पठान ने एक दार्शनिक की भांति कहा। चलो दर्शन करने वाले को क्या कहेंगे, दार्शनिक। ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये कर्तवाचक संज्ञाएं हैं, तो हमें बतानी है सेंटेंस में से, तो ये मैं बता रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, और वो है कर्तवाचक संज्ञाएं। आगे, सभी निर्णायक ध्यान से प्रतियोगिता देख रहे थे। अबे ध्यान से प्रतियोगिता देख रहे थे, कौन देख रहा था, तो निर्णायक, तो निर्णय करने वाले को क्या कहेंगे, निर्णायक, निर्णायक। फोर्थ नंबर, एक जिज्ञासु कन्फ्यूशस के पास पहुंचा, जिज्ञासा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं, जिज्ञासा जिज्ञासु। आगे देखते हैं, परीक्षक परीक्षा लेते हैं, परीक्षक परीक्षा लेते हैं, परीक्षक परीक्षा लेने वाले को क्या कहेंगे, परीक्षक। वे हमारे रिश्तेदार नहीं है, रिश्तेदार, वे हमारे रिश्तेदार नहीं है, रिश्ता रखने वाले को क्या कहेंगे, रिश्तेदार, दुकान दुकानदार, रिश्ता रिश्तेदार, बराबर, रिश्तेदार रिश्तेदार कर्तवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं, वनों के रक्षक भी अब लापरवाह हो गए हैं, वनों के रक्षक, रक्षा करने वाले को रक्षक कहते हैं। कृषक के लिए तो नदियाँ वरदान ही है, कृषि खेती करने वाले को कृषक कहते हैं। वे श्रेष्ठ व्यंग्यकार थे, व्यंग्य, व्यंग्य करने वाले को व्यंग्यकार कहते हैं। व्यंग्य यानी कि हंसते हंसते, हम जो कहना चाहते हैं वो हंसते हंसते कह देते हैं, हमारी बात भी कही दी जाती है, कह दी जाती है, और हाँ उसे बुरा भी नहीं लगता, हंसते हंसते मजाक मजाक में जो कहना चाहते हैं वो कहते हैं, उसे व्यंग्यकार कहते हैं। खड़क सिंह प्रसिद्ध डाकू था, डाकू, डाका डालने वाले को क्या कहते हैं, डाकू। आगे देखते हैं स्वाध्याय में, निम्नलिखित शब्दों से कर्तवाचक संज्ञा बनाइए। चलो संज्ञा बनाना है, चलो फर्स्ट वन, जादू जादूगर, जादू के पीछे घर लगेगा तो जादूगर, जादूगर, बराबर। आगे, साहित्य साहित्यकार, साहित्य के पीछे कार प्रत्यय लगेगा तो साहित्यकार, इधर घर प्रत्यय लगा, इधर कार प्रत्यय लगा। नेक्स्ट वन, साधना साधक, साधना करने वाले को क्या कहेंगे, साधक। नेक्स्ट वन, युद्ध योद्धा, युद्ध करने वाले को योद्धा कहते हैं, योद्धा। सलाह सलाहकार, सलाहकार, सलाह देने वाले को सलाहकार कहते हैं। नेक्स्ट, गीत गीतकार, गीत गीतकार, बराबर। आगे, गीत गीतकार। नेक्स्ट वन, सेना सैनिक, सेना सैनिक, सेना का सैनिक। कला कलाकार, कला कलाकार। आगे देखते हैं, आक्रमण आक्रमणकारी, आक्रमणकारी। देखो शब्द अंदर लिखा ही है बच्चों, आप लोग जरा
ध्यान से देखें, रक्षा रक्षक, रक्षा रक्षक। फिर नेक्स्ट विचार विचारक, विचारक। विद्रोह विद्रोही, विद्रोहकारी भी चला जा कहा जाता है, विद्रोह विद्रोही विद्रोहकारी। अध्यापन अध्यापक, अध्यापन अध्यापक, अध्यापन कराने वाले को अध्यापक कहते हैं। चित्र चित्रकार, चित्रकार चित्रकार। डाक डाकिया, डाक लाने का, डाका होता तो डाकू, डाकिया इधर डाक डाकिया, बराबर। भीख भिखारी, भिखारी, भीख मांगने वाले को भिखारी कहते हैं। राह राही, राह पर चलने वाले को राही कहते हैं। पीना पियकर, पिय क डबल कड़, पियकर। पूजा पुजारी, पूजा करने वाले को क्या कहेंगे, पुजारी। लेखन लेखन, लेखन करने वाले को लेखक, लेखन लेखक, लिखने वाले को लेखक कहते हैं। चलो इधर, इस नदी के पास खाली जगह रुक गया, इस नदी के पास खाली जगह रुक गया। आंसर यात्री, इस नदी के पास यात्री रुक गया, यात्रा भी गई है तो यात्री की, यात्रा की कर्तृवाचक संज्ञा यात्री, यात्री। नेक्स्ट वन, वह विदेशी कपड़ों का खाली जगह था तो विक्रय विक्रेता, विक्रय विक्रेता, बेचने वाला विक्रेता, विक्रय का विक्रेता बनेगा, बराबर। आगे, देवता भूमि के खाली जगह है निर्माता, इधर निर्माण शब्द दिया गया है तो निर्माण की कर्तृवाचक संज्ञा निर्माता, बराबर। आगे नेक्स्ट वन, ईमानदार अधिकारी देश के सच्चे देश है सेवा, सेवा का सेवक, देश के सच्चे सेवक है। नेक्स्ट वन, वह सुल्तान का खाली जगह था प्रशंसा दी गई तो प्रशंसा, प्रशंसक, प्रशंसक। आगे, दरवाजे पर डैश न था पहरा दिया गया तो पहरा देने वाले को पहरेदार, पहरेदार, दरवाजे पर पहरेदार न था। आगे, उसे कोई खाली जगह नहीं मिला दान दानी, दान दान शब्द की कर्तृवाचक संज्ञा बनेगी दानी। नेक्स्ट वन, इस मंदिर में सच्चे देश आते हैं उपासना, उपासना की कर्तृवाचक संज्ञा बनेगी उपासक, उपासक, उपासना उपासक। उनका खेल देखकर खाली जगह दंग रह गए दर्शन शब्द, दर्शन की कर्तृवाचक संज्ञा दर्शक, उसका खेल देखकर दर्शक दंग रह गए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष्टक में से उचित प्रत्यय लगाकर निम्नलिखित शब्दों से कर्तृवाचक संज्ञा बनाइए। चलो, भूलना, इस प्रत्यय के लिए कौन सा प्रत्यय लगेगा, भुलक्कर, सॉरी हाँ, भूलना भुलक्कर। फिर व्याख्यान व्याख्याता, तो तोपची, पहरा पहरेदार, मूर्ति मूर्तिकार, क्रांति क्रांतिकारी, शिक्षा शिक्षक, दुकान दुकानदार, सौदा सौदागर, धोखा धोखेबाज, बराबर, चक्र चक्रधर। ओके, आगे देखते हैं, गाड़ी गाड़ीवान। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हमारी ये कर्तृवाचक संज्ञा यहाँ पर पूर्ण हुई। आप लोग अच्छी तरह से अपने टेक्स्ट बुक में से भी कर्तृवाचक संज्ञा ढूंढेंगे और अपने नोटबुक में लिखेंगे। ओके, थैंक यू।